जादुई लाल परी। बहुत समय पहले की बात है, शाहदरा नाम के गांव में महिमा नाम की एक लड़की रहती थी। महिमा के माता पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके कारण महिमा अकेली ही अपना जीवन गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, महिमा अपने घर में काम कर रही होती है और तभी उसका पड़ोसी रोहित आ जाता है और महिमा से कहता है, अरे महिमा, तुम पूरे दिन काम करती हो, चलो मेरे साथ खेल ले। नहीं, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जा सकती, तुम अकेले जाओ और मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है, मुझसे दूर रहा करो, क्योंकि तुम्हारी मम्मी हमेशा मुझ पर ही चिल्लाती है। नहीं, मेरी मम्मी तो ऐसे ही कह देती है, तुम उनकी चिंता मत करो और चलो मेरे साथ। मैं नहीं जा सकती रोहित, समझा करो। और उसको काम में व्यस्त देख रोहित कहता है, चलो मेरे साथ, दिन भर बस काम काम करती रहती हो। और ये कहकर रोहित महिमा को घर से बाहर ले जाता है और फिर वो दोनों साथ में लूडो खेलने लगते हैं। वो दोनों खेल ही रहे होते हैं कि तभी रोहित की माँ सुमन आ जाती है और उन दोनों को साथ देखकर दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, तुझे कितनी बार मना किया है रोहित कि तू इस महिमा के साथ मत खेला कर, लगता है तेरी समझ में नहीं आता है। और तू महिमा अपने माता पिता को तो खा गई, अब लगता है मेरे बेटे को भी खाना चाहती है, इसलिए उसके आगे पीछे पड़ी रहती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है, मैं ही महिमा को जबरदस्ती लेकर आया था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है माँ। अब तू मेरे सामने मुंह चलाएगा, चल मेरे साथ घर में, और तू मनुष्य महिमा तू भी जाओ यहाँ से, और आज के बाद मेरे बेटे के आसपास भी मत देखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कहकर सुमन अपने बेटे रोहित को वहाँ से ले जाती है और दूसरी तरफ महिमा दुखी होकर अपने घर में आ जाती है। और सुमन घर में आती है तो उसका पति विशाल सुमन से कहता है, क्या हुआ सुमन, तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो, आखिर ऐसी क्या बात हो गई? जी आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपको तो पता ही है हमारे बेटे रोहित के बारे में कि वो हमेशा महिमा के साथ ही खेलता है, और मुझे इन दोनों का साथ में खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि महिमा पहले ही अपने माता पिता को खा चुकी है और मैं नहीं चाहती कि वो मेरे बेटे के साथ खेले। अरे तुम उसके बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हो, आखिर वो एक बेसहारा लड़की है और तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि तुम्हें तो उसका साथ देना चाहिए। आप दीजिए उस मनु उसका साथ, मैं नहीं देने वाली उसका साथ और ना अपने बेटे को उसके पास जाने दूंगी। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। समय के साथ महिमा हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि बेसहारा होने की वजह से सब उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उसे कोई भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता था। एक दिन की बात है, महिमा एक पेड़ के नीचे बैठी होती है, तभी वहाँ से एक परी गुजर रही होती है और महिमा को इस तरह उदास देखकर उसके पास आती है। क्या हुआ, तुम इस तरह यहाँ पर उदास क्यों बैठी हो, क्या तुम्हें किसी ने कुछ कहा है? हाँ, मुझसे हर कोई कुछ न कुछ कहता ही रहता है, क्योंकि मैं बेसहारा हूँ और मेरे माता पिता नहीं है, इस वजह से। फिर महिमा उसे सारी कहानी बताती है। ये सब सुनकर परी को बहुत दुख होता है। मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारे माता पिता नहीं है, वैसे मेरा नाम लाल परी है, मैं परियों की रानी हूँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ, जिससे तुम आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकोगी और तुम्हारा जो मन होगा वो तुम कर सकोगी। ये सब सुन महिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो लाल परी से कहती है, अच्छा, पर मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखती, अगर आप वाकई में मेरे लिए कुछ कर सकती हैं तो बताएं। ये लो, ये एक जादुई पेंसिल है और तुम एक जादुई पेंसिल की मदद से जो कुछ भी चाहोगी वो तुम कर सकोगी। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, तुम हमेशा अपना ख्याल रखना और किसी भी संकट में आने पर मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। फिर लाल परी वहाँ से चली जाती है। लाल परी के जाने के बाद महिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने घर आ जाती है। घर पर आने के बाद वो अपनी जादुई पेंसिल से कहती है, हे जादुई पेंसिल, तुम मुझे कुछ अच्छा सा पकवान बनाकर दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। ये कहते ही महिमा के सामने बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं।
जिन्हें देखकर महिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो पकवान एक एक करके खाती है और फिर वो उस पेंसिल से अपने लिए घर, कपड़े और बहुत सारे खिलौने भी मांग लेती है और फिर उस जादुई पेंसिल को संभाल कर रख देती है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन की बात है, रोहित घर के बाहर खेल रहा होता है तभी वह सामने खड़े आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसी पर खेलने लगता है और अचानक से उसका पैर फिसल जाता है जिससे वो पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी माँ सुमन भागी भागी आती है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सुमन अपने बेटे से कहती है, बेटा मैंने तुझे कितनी बार मना किया है कि इस तरीका का खेल मत खेला कर और तू है कि मेरी एक नहीं सुनता। आज क्या हो गया तुझे, कितनी ज्यादा लग गई, अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, हे भगवान। तभी वहाँ से महिमा गुजरती है और ये सब देख लेती है। फिर वो सुमन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ आंटी, आप इस तरह दुखी क्यों है और रोहित तुम्हें क्या हुआ, तुम नीचे क्यों गिरे हुए हो। फिर सुमन उसे सारी बात बताती है कि उसका बेटा पेड़ से नीचे गिर गया है। ये सुन महिमा भाग कर अपने घर जाती है और वहाँ से अपनी जादुई पेंसिल लेकर आती है। इसके बाद महिमा अपनी जादुई पेंसिल से रोहित को ठीक कर देती है। रोहित को ठीक देखकर सुमन और उसका पति हैरान रह जाता है और वो महिमा से कहती हैं, अरे बेटा महिमा ये सब तुमने कैसे किया और ये तुम्हारे हाथ में कैसी पेंसिल है। आंटी मेरे हाथ में ये एक जादुई पेंसिल है और ये पेंसिल मुझे एक लालपुरी ने दी है। और ये कहकर महिमा रोहित, सुमन और विशाल को सारी बात बताती है। महिमा की बात सुन विशाल अपनी पत्नी सुमन से कहता है, देखा आज तुमने, अगर महिमा नहीं होती तो तुम और तुम्हारा बेटा कितने दिनों तक परेशान रहते और तुम्हारा बेटा अस्पताल में भर्ती भी रहता। तुम्हें महिमा का शुक्रिया अदा करना चाहिए और उसे पिछले दिनों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। चलो माफ़ी मांगो महिमा से। महिमा बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, जो मैं तुम पर पिछले हर दिन चिल्लाती आई वो मेरी भूल थी। मैं समझती थी कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माता पिता मर गए, पर ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं आंटी, अच्छा अब मैं चलती हूँ। ये कहकर महिमा वहाँ से चली जाती है और महिमा बहुत खुश थी क्योंकि अब सभी लोग उससे बहुत अच्छे से बात करते थे और उसे प्यार करते थे और वो हमेशा अपनी जादुई पेंसिल को संभाल कर रखती है और बहुत खुश रहती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। लक्ष्मी एक बहुत ही आलसी और गुस्सैल लड़के थे जो अपनी माँ कमला और अपने पिता सुनील के साथ प्रीतमपुरा गांव में रहते थे। लक्ष्मी के पिता साहूकार के पास काम किया करते थे और उसकी माँ कमला अपने ही घर पर सिलाई का काम किया करती थी। कपड़ों को सिलकर जो भी पैसे मिलते कमला उन्हें जोड़कर अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी बहुत धूमधाम से कर सके। लक्ष्मी दूसरों की बातों से बहुत जल्दी चिढ़ जाया करती थी और अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी। लक्ष्मी स्कूल पढ़ने जाया करती थी और वो अपने स्कूल में बहुत बदमाशी किया करती थी और अपने क्लास के बच्चों को बहुत परेशान भी किया करती थी। एक दिन लक्ष्मी स्कूल में बैठी होती है तभी उसकी टीचर लक्ष्मी को बुलाती है, लक्ष्मी इधर आओ और मुझे जल्दी से इस सवाल का हल बताओ, नहीं तो आज तुम पूरे दिन क्लास से बाहर खड़ी रहोगी। लक्ष्मी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था इसलिए वो टीचर के द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाती। तभी टीचर उसको कक्षा के बाहर खड़ा कर देती है। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाती है और कक्षा से बाहर बच्चे निकल रहे थे तभी वो लक्ष्मी को चिढ़ाने लगते हैं। लक्ष्मी को गुस्सा आ जाता है और वो पास में पड़े पत्थर को उठाकर बच्चे को ऊपर फेंक देती है। उस पत्थर से बच्चे को चोट लग जाती है और वो बच्चा जाकर टीचर से उसकी शिकायत कर देता है। लक्ष्मी का ऐसा व्यवहार देखकर स्कूल वाले लक्ष्मी को स्कूल से बाहर निकाल देते हैं
और लक्ष्मी का नाम स्कूल से काट देते हैं। लक्ष्मी को इस बात का अफसोस बिल्कुल भी नहीं होता, उसको बल्कि बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे पढ़ाई जो नहीं करनी पड़ेगी। लक्ष्मी की माँ कमला लक्ष्मी के इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो लक्ष्मी को कैसे सुधारे। लक्ष्मी अब पूरे दिन घर में पड़े पड़े वीडियो गेम खेलती, खाना खाती और सोती ही रहती। ऐसे ही कुछ महीने निकाल लेती है। फिर एक दिन, लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे पिताजी की नौकरी अब छूट गई है, जिसके कारण घर चलाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम जंगल में जाकर पेड़ों से कुछ फल तोड़कर लाओ और उन्हें बाजार में बेचकर आओ। फल बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे, उन पैसों से घर चलाने में हमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लक्ष्मी अपनी माँ की बातों को सुनकर जंगल की ओर फल तोड़ने के लिए जाती है, परंतु जंगल जाकर वो जंगल में जानवरों के साथ खेलने लगती है और जब शाम हो जाती है तो वो बिना फलों के ही घर वापस आ जाती है। लक्ष्मी, आज तुमने कितने फलों को तोड़कर बेचकर आई हो, जरा मुझे भी तो बताओ। अरे माँ, वो मैं भूल गई थी। जंगल में जाकर मुझे एक बूढ़ी दादी मिल गई थी, जिनकी मैंने सहायता की। मैंने उन दादी को उनके घर तक छोड़ा और फिर मैं वहाँ से वापस आ रही हूँ। लक्ष्मी अपनी माँ की डांट से बचने के लिए अपनी माँ से झूठ कहने लगती है और खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। कमला को सारी सच्चाई पता थी, पर वो लक्ष्मी को कुछ नहीं कहती। अगली सुबह लक्ष्मी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही होती है, तभी कमला उसे जंगल में जाकर फल तोड़ने के लिए कहती है। लक्ष्मी सोचती है कि अगर आज वो जंगल से फल तोड़कर नहीं लाई तो उसकी माँ आज उसे मारेगी, इसलिए वो चुपचाप जंगल के लिए निकल जाती है। जंगल जाकर लक्ष्मी देखती है कि एक आदमी एक सेब के पेड़ को काट रहा होता है। तभी लक्ष्मी उसको रोकने की कोशिश करती है। अरे अंकल, आप इस हरे भरे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? आप अभी इसी वक्त रुक जाइए, नहीं तो मैं चिल्लाकर पूरे गांव को यहाँ पर इकट्ठा कर दूंगी। वे लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। वे आदमी लक्ष्मी की बातों को अनसुना करके उस पेड़ को दोबारा से काटने लगता है। ये सब देखकर लक्ष्मी को गुस्सा आने लगता है और वो तुरंत चिल्लाने लगती है। लक्ष्मी को चिल्लाता सुन गांव के कुछ लोग जंगल की ओर आने लगते हैं। ये सब देखकर वो आदमी वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। जब गांव वाले जंगल पहुंच जाते हैं तो वो लक्ष्मी से सवाल करने लगते हैं। उनको लगता है कि ये जरूर लक्ष्मी की कोई शरारत होगी। लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ पर एक आदमी इस हरे भरे पेड़ को काट रहा था। जब मैंने उसको कहा कि इस पेड़ को ना काटे तो वो मेरी नहीं सुन रहा था, इसलिए मैं जोर जोर से चिल्लाकर आप लोगों को बुला रही थी ताकि वो पेड़ ना काटे। और देखो, आपको यहाँ आता देख वो आदमी यहाँ से दुम दबाकर भाग गया। लक्ष्मी की बातें सुनकर गांव के लोग उसकी बातों का विश्वास नहीं करते और उसे डांटकर अपने अपने घर जाने लगते हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो उदास हो जाती है। कुछ देर बाद लक्ष्मी उस पेड़ से कुछ सेब तोड़ लेती है और उन फलों को बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। लक्ष्मी उन फलों को बेचकर कुछ रुपए कमाती है। रुपए कमाकर लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगता है और वो खुशी खुशी अपनी माँ को वो पैसे दे देती है। ये लीजिए माँ, देखो आज मैंने फलों को बेचकर इतने रुपए कमाए हैं। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। मुझे अपनी बेटी पर बहुत नाज है। चलो अब हाथ पैर धोकर खाना खा लो। लक्ष्मी खाना खाते समय अपनी माँ को जंगल में हुई पूरी कहानी बताती है। तभी लक्ष्मी की माँ कमला लक्ष्मी से कहती है, लक्ष्मी बेटी, तुम जो फलों को बेचकर पैसे कमा कर लाई हो उन्हीं पैसों से घर का खर्चा चल रहा है। अब तुम्हारी माँ का सिलाई का काम भी बंद हो चुका है। गांव में कोई भी तुम्हारी माँ से सिलाई नहीं करवाता है, इसलिए तुम मन लगाकर फलों को तोड़कर बाजार में बेचने जाया करो, नहीं तो हमें दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होगी। लक्ष्मी अपनी माँ की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और वो सोचती है कि अब वो पहले से भी ज्यादा गरीब हो गई है। लक्ष्मी अपने सर पर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ देखकर
बहुत परेशान रहने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन लक्ष्मी जंगल जाकर फल तोड़कर लाती और उन्हें जाकर बाजार में बेच दिया करती। सेब बेचकर लक्ष्मी को जो भी पैसे मिलते वो पैसे अपनी माँ को दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और एक दिन लक्ष्मी के घर में अचानक से आग लग जाती है और पूरा घर जल जाता है, जिसमें उसके माता पिता भी जलकर मर चुके थे। लक्ष्मी जब जंगल से आकर ये देखती है तो वो बहुत फूट फूट कर रोने लगती है, परंतु अब वो बेचारी कुछ नहीं कर सकती थी। लक्ष्मी का अब इस दुनिया में कोई नहीं था जिसके लिए वो जी सके, इसलिए वो मरने का फैसला करती है। लक्ष्मी जंगल के रास्ते से उदास होकर जा रही थी, तभी वो पेड़ लक्ष्मी को आवाज लगाता है, जिसको लक्ष्मी ने कटने से बचाया था। क्या हुआ लक्ष्मी, आज तुम बहुत ही उदास लग रहे हो, आज तो फल नहीं तोड़ोगे? लक्ष्मी पेड़ की आवाज़ सुनकर बहुत हैरान हो जाती है और कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आगे की ओर चलने लगती है। पेड़ फिर से बोलता है, लक्ष्मी सुनो, मैं पेड़ बोल रहा हूँ, मुझे बताओ तुम इतने उदास क्यों हो, क्या मैं जान सकता हूँ? लक्ष्मी पेड़ की बात सुनकर वहीं रुक जाती है और कुछ नहीं बोलती और रोने लगती है। लक्ष्मी मैं जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, तुम रोना बंद कर दो, मैं तुम्हें इस तरह रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ सहायता करता हूँ। तभी वो जादुई पेड़ अपने डाल पर से 3 सेब नीचे गिराता है। वो सेब नीचे गिरते ही बहुत बड़े हो जाते हैं और तीनों सेब सेब के घर में बदल जाते हैं। और पहला सेब का घर कहती है, लक्ष्मी मैं जादुई सेब का वो घर हूँ जिसमें तुम्हें खाने का बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। फिर दूसरे सेब के घर कहती है, लक्ष्मी और मैं वो जादुई सेब का घर हूँ जहाँ पर तुम्हें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को मिलेंगे। फिर तीसरी सेब का घर कहती है, लक्ष्मी मैं वो सेब हूँ जो तुम्हारी बाकी सभी इच्छाओं को पूरी करूँगी, तुम हम तीनों सेब के घर में बहुत ही आराम से रह सकती हो। लक्ष्मी जादुई सेब के घर को देखकर बहुत खुश होती है और अपने आगे के जीवन उसी सेब के घर में व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।